अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? फाइन, आई होप यू वुड हैव प्रैक्टिस्ड योर प्रीवियस लेसन्स। यस, नंबर फर्स्ट वाज ग्रीटिंग्स, नंबर सेकंड लाउडली प्लीज, नंबर टू हाउ आर यू, नंबर थर्ड आर यू, एंड फोर्थ वन हु आर यू। यस, फर्स्ट ग्रीटिंग्स, देन What's your name? And third, how are you? And four, who are you? Are you fully practiced in these four lessons? Should we go to the fifth lesson now? Are you ready for that? Okay. आज हमारा पांचवा lesson है What are you? और मैं उम्मीद करता हूं lesson start करने से पहले आप सबने मुझे subscribe कर दिया होगा। आवाज नहीं आई? यस सर। और ये जो सामीन है हमारे व्यूअर्स, इन्होंने कर दिया होगा, नहीं कर दिया होगा, नहीं किया होगा, कुछ रहते हैं ना। आप सब मिलके गए भाई, सब्सक्राइब करते हैं, क्या ख्याल है? ओके, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स माय लिंक, एंड ऑल्सो क्लिक बेल आइकॉन एंड गिव कमेंट टू। ओके, थैंक यू वेरी मच। लेसन नंबर फाइव इज व्हाट आर यू। लफ्जी माना इसके क्या हैं? तेज आवाज में, क्या हैं आप, क्या हैं आप, इससे क्या मुराद है, क्या पूछा जा रहा है? प्रोफेशन, वेरी गुड। आदमी का प्रोफेशन, जो वो काम करता है, जो वो है। व्हाट आर यू के जवाब में हम उसका प्रोफेशन बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू, लाउडली व्हाट आर यू, sit down, what is he, his manager, sit down, yes baby, what is she, she is doctor, very good, yes mister, what's your father, very well, your father is landlord, okay, what's his name, Ubaidullah, how is he, he's fine, he's good, yes, now we are mixing four lessons, okay, sit down, yes baby, what's your name, how are you, how is your father, what's your father's name, okay, what is he, what would be the answer, what is he, he's a student, his teacher, his professor, his landlord, his pilot, his doctor, his engineer, is it clear? What are you, what is he, what is she, what are they, okay, what are they, yes, what are they, they are teachers, they are students, they are players, देखे ना बेबीज, लास्ट वन मैं सब में दोहराता हूं, व्हाट आर यू के जवाब में उसका प्रोफेशन बताना है, उसका पेशा बताना है, वो क्या है, क्या करता है, आसान अल्फाजों में बताऊं उसका काम धंधा बताना है। इज इट क्लियर? सिट डाउन एवरीबॉडी। यस मिस्टर नाइन, आस्क मी ऑल क्वेश्चंस, पूछे मुझसे। My name is Munir Hussain. My work is to teach. एक मेरी बात याद रखें तमाम व्यूअर्स, बोलने में जो मिस्टेक्स होती हैं और जो आदतें पक जाती हैं वो इस तरह की हैं कि सामने वाला सवाल करता है तो जवाब देने वाला जवाब देने के बजाय सवाल रिपीट करता है, तो हमेशा याद रखें ये आदत नहीं होनी चाहिए। नेवर रिपीट द क्वेश्चन, जस्ट आंसर। ओके, और बोलते हुए अक्सर यू करते हैं सोचना, ऐसा ना हो, सोचें फिर पूरा जुमला मुंह से निकालें। ये रवानी की मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं, रवानी की जो उसूल है, ठीक है इंशाल्लाह। और कभी भी आहिस्ता आवाज में ना बोलें, और दूसरी बात, जब भी कोई सवाल करता है तो खामोश ना खड़े हो, ठीक है? क्या करना है आपने, आंसर देना है, अदरवाइज सॉरी सर आई डोंट नो, ओके आई एम सॉरी, लेकिन इंतजार कराना ये हेजिटेशन की निशानी है, खामोश खड़े हो जाना, नो हेजिटेशन इन आवर क्लास,
ठीक है क्विकली. तो कितनी मैंने आपको बात बताई है, रवानी के रवानी से अंग्रेजी बोलने में क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए. नंबर एक, सवाल रिपीट ना करें. नंबर दो, आ ई उ इस तरह से ना सोचें. नंबर तीन, खामोश ना खड़े हों और कुछ भी बोलें, मुझे नहीं आता, इतना तो बोल सकते हैं ना, आई डोंट नो, ठीक है. और सवाल रिपीट ना करें. करेंगे ऐसा इंशाल्लाह. और सवाल लेसन कोई मुश्किल तो नहीं है, कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल आप करेंगे और हमारी वीडियोस और हमारे चैनल में बेहतरी के लिए राय भी देंगे इंशाल्लाह. ठीक है, सी यू टुमारो विथ न्यू लेसन इंशाल्लाह ताला. आई होप यू विल प्रैक्टिस वेल एंड गिव कीन इंटरेस्ट इन लर्निंग इंग्लिश. ओके, अस्सलाम वालेकुम. पाकिस्तान जिंदाबाद.